9 अगस्त 2018 को भारत की संसद के दरवाजे पर भारतीय संविधान को जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन बहुजन संघर्ष दल के सदस्यों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सदस्यों ने ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किए जाने के साथ साथ फांसी दिए जाने तक की मांग की। इस अवसर पर संजय अहिरवार, करण सिंह, दीपक अश्वारे, राजेश बिहले, वीरेश चोलंकी, विक्रम पवार, प्रदीप दुलारे सहित अन्य लोग मौजूद थे। ये आज जो हमारा ज्ञापन है 9 अगस्त को संसद के दरवाजे के सामने कुछ आपत्तिजनक लोगों द्वारा सरेआम संसद भवन के सामने भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई गई और प्रतियां जलाने को लेकर भी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में उनको नारे लगाए गए, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और अपमानित किया गया, जिसको लेकर आज हम लोगों ने अनुविभाग अधिकारी सिवनी मालवा में आज जो आपत्तिजनक लोग हैं जिनके द्वारा प्रतियां जलाई गई उन पर देशद्रोह का मामला कायम हो और ऐसे लोगों पर हम मांग भी करते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा भी होना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो गलतियां जो आज देश की संसद के सामने सरेआम की जा रही है ऐसे तत्व भविष्य में ऐसी गलतियां ना कर सके। इसको लेकर आज हम लोगों ने अनुविभागीय सिवनी मालवा अधिकारी महोदय, SDM महोदय जी ज्ञापन सौंपा है।